अब बेटा जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। इसका मतलब पेपर क्या हो गया? लीक। हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब के फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। इसमें बेटा 10 पार्ट्स हैं और 10 में से 90 से 95% चांस रहते हैं कि एक आधी क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बिना देरी किए, एक सेकेंड भी नज़र बिना हटाए वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली समझाने वाला हूं। सिक्स पार्ट में बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है जब बेटा स्क्वायर रूट हटता है तो उधर क्या लग जाता है? स्क्वायर लग जाता है। बस जी वही कर दो आप, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो लगा दिया जी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो, मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को बेटा लेकर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे आप चाहो तो ऊपर लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, ऊपर लेकर राइट हैंड लेकर सॉल्व करा दूँ। दो तरीके से बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो, दो क्या ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। एक तो ये तरीका है बेटा कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, तब आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि बेटा आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ किससे कराऊँगा आपको। चलो मैं बेटा आज लेफ्ट हैंड साइड ना लेकर आपको राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, नए तरीके से। इधर से तो आपको कराएंगे, ट्यूशन में भी कराएंगे और बाकी जगह भी कराया जाएगा, मैं आपको राइट हैंड साइड से एक नए तरीके से करा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा मैं टेकिंग राइट हैंड साइड में क्या करूँगा, सेक को बेटा मैं चेंज कर लूँगा 1/cos, ठीक है। और tan को तो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता ही है, tan a/sin a/cos a रहता है, आ गया। अब बेटा देखिए इधर एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + sin a² और नीचे बेटा क्या आ जाएगा, cos² a। अब बेटा देखिए 1 + sin a² अब एक बात हो, cos² a का फॉर्मूला क्या होगा, cos² का, इसको उधर लेके जाओ, तो 1 - sin² a। अब बेटा क्या है, हमें 1 लगा सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन बेटा ऐसा करने से यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b² और बेटा a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a - b। बस आंसर आ चुका है बेटा, देखिए इससे इसको काट दो और आंसर आ गया 1 + sin a / 1 - sin a विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जरूरी नहीं आप राइट लेफ्ट को ही राइट के इक्वल शो करो, आप राइट को भी लेकर लेफ्ट के इक्वल शो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप के समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है बेटा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए।